ठीक है। तो यार अब टॉपिक पे आ जाओ। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे आपने क्यूब रूट पढ़ा है, आप लोगों की बुक में है तो नहीं फोर्थ रूट का, लेकिन एक बेसिक सी मैं बात बता देता हूँ। टॉपिक है फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। तो कॉन्सेप्ट वही है जो आपने क्यूब रूट ऑफ में पढ़ा था। क्यूब रूट में क्या था कि अगर आपने 1 का क्यूब रूट मालूम करना है तो 1 की पावर क्या थी, 1/3 थी। अगर आपने 1 का फोर्थ रूट मालूम करना है तो 1 का फोर्थ रूट क्या हो जाएगा, 1 की पावर 1/4। तो फोर्थ रूट में क्या होगा, बस पावर 1/4 आ जाएगी। और इसको लेट कर लेना एक्स के बराबर, दोनों तरफ पावर 4 लेना, यहां पे 4 आ जाएगा और यहां पे कैंसिल हो जाएगा। तो x4 इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले आप इस पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे, फिर दो फैक्टर बनेंगे उनको सॉल्व करोगे। एक फैक्टर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक फैक्टर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस वाले फैक्टर को जब आप इक्वल टू 0 रखोगे तो दो वैल्यूज आएंगी, एक होगी 1, एक होगी माइनस 1। और इस वाले फैक्टर को जब आप इक्वल टू 0 रखोगे तो एक वैल्यू होगी आयोटा और दूसरी वैल्यू होगी माइनस आयोटा। तो ये चार फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी होते हैं। दो तो आपको ऑलरेडी पता है, 1 और माइनस 1, ठीक है। ये दो जो है ये इमेजिनरी होते हैं, आयोटा और माइनस आयोटा। तो चार फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी होते हैं, 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा। तो इसको आप बोलोगे फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, और वो कितने हैं, 4 के बराबर है। अब इससे रिलेटेड भी पॉइंट होते हैं, जैसे आपने क्यूब रूट के पढ़े में, लेकिन ज्यादा उसकी डेप्थ में मैं जाता नहीं हूं, बस बेसिक सी आपको बात बता देता हूं। दो प्रॉपर्टीज कि पहले ये कि अगर आप ये जो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी आए हैं चार, इनका अगर आप सम मालूम करोगे तो क्या होगा, तो 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा। आपने क्या किया, आपने इन चारों को ऐड कर दिया। तो जब आप चारों को ऐड करोगे रिजल्ट 0 के बराबर आएगा, 1 से माइनस 1 कैंसिल, आयोटा से माइनस आयोटा कैंसिल। तो सम ऑफ, अब मैं जनरलाइज बात कर रहा हूं, कोई भी एक रियल नंबर है बस वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आपको बताओ तो हम पॉजिटिव नंबर्स का ही स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, सिक्स रूट मालूम कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपके पास जो इवन रूट होते हैं ना, वो सिर्फ आप पॉजिटिव नंबर के करते हो। ये जो आपने स्क्वायर रूट करते हुए आ रहे हो, स्क्वायर रूट आप किसी पॉजिटिव नंबर का करते हो। इसी तरह ये जो आप फोर्थ रूट निकालोगे या सिक्स रूट निकालोगे या एट्थ रूट निकालोगे, वो हमेशा पॉजिटिव नंबर का आप निकालते हो। तो किसी भी पॉजिटिव नंबर के जब आप फोर्थ रूट निकालोगे और अगर आप उनको ऐड करोगे, रिजल्ट 0 के बराबर आएगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप उसको मल्टीप्लाई करोगे, इन चारों को मैं आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो रिजल्ट देखना माइनस 1 के बराबर आ रहा होगा। तो अगर 1 के चार रूट जो है उनको मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट में क्या आएगा, माइनस 1 आएगा। जो नंबर है उसके साथ नेगेटिव लगा देना, वो उसके फोर्थ रूट का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये बेसिक सी बात की है, आपके बुक का टॉपिक नहीं है तो बेसिक तक ही रहने दो, इसको ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे हम। कुछ समझ आ गया इसमें से, कोई सवाल है तो पूछ लो। तो 3.3 का जो टॉपिक है वो तो ऑलरेडी खत्म हो चुका था। 3.4 जो है ना यार, इसमें आप इक्वेशन को सॉल्व करते हो और ये एमसीक्यूज में नहीं आता। एमसीक्यूज में अगर आया तो इस टाइप का आ जाएगा कि वो आपको इक्वेशन दे देंगे, एक मुश्किल सी इक्वेशन है, और वो बोलेंगे यार इसका सॉल्यूशन क्या है। ये वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने 3.1 में बताया था कि आपको इक्वेशन दे देंगे और बोलेंगे बताओ इसका कौन सा रूट है। वो वैल्यूज आप इक्वेशन में पुट करते जाओगे, जो वैल्यू उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, मतलब पूरी लेफ्ट हैंड साइड 0 के बराबर हो जाएगी, तो उसको आप बोल दोगे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आप 3.4 पे आ जाओ और 3.4 पे, एक सेकेंड, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। 3.4 के सवाल इस तरह आ सकते हैं, नोट कर लेना इसको। ये एक इक्वेशन दे देंगे आपको, ये पहला ही क्वेश्चन है 3.4 का, और बोलेंगे इसका सॉल्यूशन निकालो। ऑप्शन में सॉल्यूशन गिवन होगा, कंसीडर कर लेते हैं। पहले ऑप्शन में लिखा होगा 1 0 माइनस 1 2, ये चार ऑप्शन लिखे होंगे, और पूछेंगे यार इसमें से कौन सा इसका सॉल्यूशन है।
अब अगर आप नॉर्मल तरीके से निकालोगे तो पूरी इक्वेशन को सॉल्व करोगे उसके बाद जाके कहीं आएगा। वैसे इसको आप किस तरह सॉल्व करोगे, वही कॉन्सेप्ट जो मैंने पहले बताया था, आप इन ऑप्शंस को पुट करते जाओ, जिस वैल्यू पे आपकी पूरी लेफ्ट हैंड साइड जीरो के बराबर हो रही है इसका मतलब वो इसका सॉल्यूशन है। और ये आपको बकायदा पुट करने की जरूरत नहीं है, देख के भी आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे अगर आप यहां पे 1 पुट करोगे, ये 25 हो जाएगा, ये -104 हो जाएगा और ये 16 है। आप थोड़ी अगर अपनी अक्कल लगाओगे ना, आपको दिखने में लगेगा 25 -104 और 16, इनको आपस में ऐड करोगे जीरो आ ही नहीं सकता। ऑब्जर्वेशन है सिंपल, आपकी जीरो पे चले जाना, जीरो पुट करोगे खत्म हो जाएगा, यहां पे पुट करोगे खत्म हो जाएगा, जस्ट 16 बचेगा। अगेन 16 जीरो के बराबर तो नहीं होता, इसका मतलब ये जीरो जो है ये भी इसका आंसर नहीं है। फिर आप -1 पुट करोगे, -1 पुट करके भी आंसर वही होगा, 25 -104 16, ये भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो अगर आप तीन ऑप्शन देखो, तीनों ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो उसका मतलब चौथा वाला ऑप्शन देखो या ना देखो वो सेटिस्फाई कर रहा होगा। ठीक है, अगर एहतियातन आपने करना है तो आप अपनी शक दूर करने के लिए कर सकते हो, लेकिन जब आपको पता है ऑप्शन में कोई बोथ का ऑप्शन नहीं है या नन ऑफ दिस का ऑप्शन नहीं है, कोई चार ही ऑप्शन लिखे हैं जिसमें से आपने तीन देखा कि यार ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली चौथा वाला तो करेगा, चौथा वाला आंसर होगा ना। और अगर चेक करना चाह रहे हो तो चेक भी कर सकते हो। आप यहां पे 2 पुट करोगे, 2 की पावर 4 होती है 16, 16 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 400 आएगा। फिर यहां पे 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर 4, 4 को मल्टीप्लाई करो -104 से, तो -416 आ जाएगा और ये वाला 16 अपनी जगह पे। 400 + 16 416 और -416 जीरो के बराबर हो जाएगा। तो 3.4 के अगर सवाल आएंगे तो इस तरह आएंगे, आप उनको बकायदा सॉल्व नहीं करना, आप पुट करके देखना, आपको हार्डली एक मिनट लगेगा, जो मुश्किल वैल्यू होगी आप कैलकुलेटर आपके पास है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो इस तरह। ठीक है, तो आप 3.5 पे आ जाओ। 3.5 में नेचर ऑफ रूट था, तो मैं आप लोगों को काफी इजी करके नेचर ऑफ रूट बता रहा हूं, अगर आप उसको याद कर लो तो फिर आपको, क्योंकि ये सवाल इतना फेवरेट है, नस्ट हो, एनईडी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, इक्वेशंस के पोर्शन से सवाल बहुत फेवरेट है, एक एमसीक्यू आपको लाजमी मिलता है इसमें। और वो आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देते हैं और कहते हैं भाई इसकी नेचर बताओ, उसके लिए आपको बेसिक बात बतानी चाहिए। सबसे पहली बात कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये जनरल फॉर्म होती है, दूसरी बात क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये वाला होता है, इसको आप कहते हो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और तीसरी चीज, असल चीज जो आपको बतानी चाहिए उसको आप बोलते हो डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, जो आपके पास रूट के अंदर लिखा हुआ है उसको आप डिस्क्रिमिनेंट कहते हो। शो हम डी से भी करते हैं या उसको डेल्टा से भी शो करते हैं, दोनों सिंबल है याद होने चाहिए आपको, डी से भी शो करते हो या आप डेल्टा से भी शो कर सकते हो। और होता क्या है, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है ना वो होता है, तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, b² - 4ac, इसको आप कहते हो डिस्क्रिमिनेंट। नाम से ये बता रहा है कि ये फर्क करेगा, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है, फर्क पैदा करना। तो ये जो चीज है ये फर्क पैदा करती है, अगर ये चीज जीरो है तो रूट्स इक्वल आ जाते हैं, ये वाली अगर नेगेटिव है तो रूट इमेजिनरी हो जाते हैं, ये अगर पॉजिटिव है तो रूट रियल हो जाते हैं। तो रूट्स में फर्क कौन कर रहा है, ये फर्क कर रहा है, तो इसलिए आप इसको क्या बोलते हो, डिस्क्रिमिनेंट। अब कैसे फर्क पैदा करेगा, जरा मैं आपको बता देता हूं। तीन बेसिकली वैल्यूज आपको याद रखनी है, सबसे पहला केस, दूसरा केस और तीसरा केस। पहला केस ये है कि अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर आ जाए, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब b² - 4ac, आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी उसमें से आप b² - 4ac कैलकुलेट करना, अगर वो जीरो के बराबर आ रहा है तो स्ट्रेट अवे इसका आंसर होगा कि रूट्स जो हैं रियल हैं और साथ साथ इक्वल हैं। कितने दफा ऐसा होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, उसके द्वारा कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर लेना, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कैलकुलेटर सॉल्व करना, कैलकुलेटर आपको आंसर देगा 1। अब स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर इसकी डिग्री तो 2 है, आंसर तो 2 आने चाहिए, कैलकुलेटर आपको एक आंसर क्यों दे रहा है, उसकी रीजन ये कि जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना दो फैक्टर बनेंगे x-1 x-1, दोनों से आंसर आपके पास क्या आ रहा होगा, 1 आ रहा होगा।
तो कैलकुलेटर आपको वन एक दफा देगा, इसका हर से मतलब नहीं है इसका एक ही आंसर है। इसका मतलब ये कि आंसर तो इसके दो हैं लेकिन वो क्या है आपस में इक्वल है, तो तभी कैलकुलेटर आपको एक आंसर दे रहा है। ठीक है, तो यहां पे रूट्स जो दो है वो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये कब होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर होता है। अब दूसरी चीज क्या याद रखनी है कि जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो है मतलब पॉजिटिव है, 3, 4, 10, 15, 20 पॉजिटिव आ रहा है आपके पास, दो केसेस बनेंगे। सबसे बेसिक बात जो है कि जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो दो बातें तो सेम रहेंगी, कौन सी दो बातें भाई, रूट्स जो है वो रियल होंगे और रूट्स जो है वो अनइक्वल होंगे, ये दो बातें तो कंफर्म है। जब भी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो है रूट्स आपके रियल होंगे, रूट्स आपके अनइक्वल होंगे। इसके बाद दो चीजें होंगी, पहली चीज क्या है कि डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन जीरो है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 ये सब नंबर्स हैं, इनको आप परफेक्ट स्क्वायर कहते हो। परफेक्ट स्क्वायर वो होता है कि अगर आप किसी नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई करो तो जो रिजल्ट में आता है ना उसको आप परफेक्ट स्क्वायर कहते हो। जैसे 2 का स्क्वायर 4, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये सब पॉजिटिव ही होंगे ऑब्वियसली। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो तो है लेकिन साथ साथ वो परफेक्ट स्क्वायर है, कहने का मतलब जो अभी मैंने बताए हैं, जैसे 4 जो है 4 ग्रेटर देन जीरो तो है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर है, 9 ग्रेटर देन जीरो तो है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर है। तो जब वो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो एक प्रॉपर्टी क्या होगी कि रियल तो होगा लेकिन रियल में आप बोलोगे रैशनल, रियल नंबर में दो नंबर आ जाते हैं ना, रैशनल आ जाते हैं इरेशनल आ जाते हैं। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो है और साथ साथ परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके रूट रियल भी होंगे और रियल के अंदर क्या होंगे, रैशनल होंगे। ठीक है, और अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मैं लिख देता हूं नॉट परफेक्ट स्क्वायर। एग्जाम्पल्स भाई, आपके पास 5 आ जाए, 10 आ जाए, 15 आ जाए, ये सब नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ग्रेटर देन जीरो तो है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उस पर आपके रूट्स रियल तो होंगे लेकिन रियल में क्या होंगे, इरेशनल। तो तीन चीजें होंगी, ठीक है, दो चीजें तो कंफर्म है दोनों के अंदर सेम ही होंगी, तीसरी चीज में फर्क है। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर है तीसरी चीज रैशनल, अगर नॉट परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर इरेशनल हो जाएगा। इससे डिटेल में मैं नहीं समझा सकता, मैंने काफी डिटेल में इजी करके आप लोगों को बता दिए। और अब आखिरी पे आ जाओ कि अगर आपको बोला जाए डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है मतलब नेगेटिव आ रहा है, -1, -10, -50 कोई भी नेगेटिव आ रहा है, पॉइंट में भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि आपके पॉजिटिव होगा, कोई होल नंबर होगा या इंटीजर होगा, पॉइंट में भी आ सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस नेगेटिव होना चाहिए वो। लेस देन जीरो का मतलब नेगेटिव, ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव। तो जब लेस देन जीरो है तो तब रूट जो है वो आपके इमेजिनरी हो जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव नंबर जब रूट के अंदर आता है तो आपको पता है इमेजिनरी हो जाता है, और दूसरी चीज अनइक्वल होंगे। ठीक है, तो ये बातें अगर आपको याद है तो आपको मसला नहीं है। अब इसकी एग्जांपल्स कैसे आएंगी यार, कभी तो वो डायरेक्ट पूछ लेते हैं, कभी वो स्टेटमेंट आ जाती है कि इफ द डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन जीरो देन रूट्स आर रियल अनइक्वल, और तीसरी चीज डिपेंड करता है, अगर परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे रैशनल, नॉन परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे तो इरेशनल, अगर वो कुछ ना बोले तो ये दो पॉइंट काफी है। इसी तरह आ जाए इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज लेस देन जीरो देन रूट्स आर इमेजिनरी अनइक्वल, तो एक तो वो इस तरह पूछ लेते हैं, या दूसरा मेथड ये कि बकायदा आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देंगे, और ये प्रैक्टिस अगर आपने करनी है तो जो 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें टोटल 6 पार्ट है, एग्जाम्पल्स हैं, उन 6 पार्ट में से कोई भी आप पार्ट ट्राई कर लो, करना क्या होगा आपने बस ये निकालना है b² - 4ac कैसे निकलेगा भाई, x का कोएफिशिएंट b है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है और कांस्टेंट जो है वो c है, इस चीज को निकालना, देख लेना किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, जिस कैटेगरी में फॉल कर रहा होगा वो उसका आंसर हो जाएगा। तो दो तरीके से सवाल आ सकता है, दोनों तरीके मैंने आप लोगों को बता दिए। तो 3.5 का जो असल टॉपिक था वो हमारा इसी पूरे बोर्ड पे कवर हो गया, 3.5 इसके अलावा कुछ नहीं है। कोई सवाल है यहां तक तो पूछ लो। हाँ, 1 के आप सारे पार्ट ट्राई कर लो और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, सारे पार्ट ना भी ट्राई करो कोई भी। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना ताकि आसानी हो,
जनरल फॉर्म ये होती है कि सब ट्रम आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे हो, कोई भी राइट हैंड साइड पे तो उसको उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे ले आना। दूसरी बात कि पहले एक्स स्क्वायर की ट्रम हो, फिर एक्स की ट्रम हो, फिर कॉन्स्टेंट की ट्रम हो, ये दो स्टेप तो लाजमी है। तीसरा स्टेप ऑप्शनल है कि एक्स स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट पॉजिटिव रखना, ये जरूरी नहीं है, नेगेटिव भी रख सकते हो पॉजिटिव भी, लेकिन आसानी अच्छा काम ये है कि आप एक्स स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट को पॉजिटिव रखना। ये तीन चीजें हैं, इससे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना। जैसे जो सवाल है ना पार्ट नंबर 5 जो है या पार्ट नंबर 2 है, इसमें कुछ राइट हैंड साइड पे है तो लेफ्ट हैंड साइड पे ले आना, उसको सिंप्लीफाई करना, उसके बाद ये वाली चीज निकालना और फिर आंसर दे देना। बाकी जितने हैं वो आपके कोई जरूरी नहीं है, वो एमसीक्यूज में नॉर्मली नहीं आते सवाल, बड़े बड़े सवाल हैं वो सारे, ये सवाल आ रहा होता है। बाकी आखिरी के दो सवाल हैं वो मैं जरा बता देता हूँ क्या है। पहले यहां तक तो कोई सवाल है पूछ लो, नहीं है तो फिर स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट होता है कि रूट वैनिश कब होते हैं। रूट्स वैनिश होने का मतलब ये होता है कि रूट्स खत्म हो जाए, जीरो जीरो हो जाए। तो ऐसा कब होगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो है वो वैनिश होते हैं, कंडीशन क्या होती है इसकी। तो अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो अगर इक्वेशन में से बी और सी ये जीरो के बराबर हो जाए तो फिर इसके रूट्स क्या हो जाते हैं, वैनिश हो जाते हैं। कहने का मतलब अगर आपके पास एक इक्वेशन ये वाली है, अगर आप गौर से देखो इसमें बी भी नहीं है, इसमें सी भी नहीं है, मतलब एक्स की टर्म भी नहीं है और कांस्टेंट भी नहीं है, तो जब आप इसके रूट निकालोगे क्या आएगा, टू को डिवाइड कर दो जीरो से, खत्म हो जाएगा। दो आंसर होंगे, जीरो नेगेटिव जीरो, नेगेटिव जीरो की भी कोई सेंस नहीं बनती तो आप जीरो ही लिखोगे। इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट जो है वैनिश हो गए, खत्म हो गए, जीरो के बराबर हो गए। तो इसकी कंडीशन क्या है कि जब बी और सी जो है वो जीरो के बराबर हो जाए तो आपकी इक्वेशन के रूट जो है वो वैनिश हो जाते हैं। अब मैं एक सवाल करवा देता हूं जो कि एमसीक्यूज में आ सकता है बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 8 ये 3.5 का। तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है वाई स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 2p माइनस 4y इक्वल टू 3q प्लस 5। कंडीशन ये है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी एन क्यू, आपको पी एन क्यू की वैल्यू निकालनी है। कंडीशन क्या गिवन है कि दोनों रूट जो है इक्वेशन के वो वैनिश हो जाएं। तो वैनिश होने का मतलब बी और सी जो है वो जीरो के बराबर होंगे। तो पहले तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, स्क्वायर की टर्म, वाई की टर्म, कॉन्स्टेंट को उधर ले आओ, दोनों के साथ नेगेटिव आ जाएगा, तो माइनस 3q माइनस 5। आप एक साथ भी लिख सकते हो इस तरह, आप जब इधर लेकर आओगे दोनों नेगेटिव हो जाएंगे ना, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया और एक साथ लिख दिया। तो अब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म में कन्वर्ट होगी। अब कंडीशन ये कि रूट जो है वो वैनिश हो गए, आपको पता है जब रूट वैनिश है तो बी और सी जीरो के बराबर है। बी सी क्या होगा, यहां पे ए होता है वाई स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट, उसको छोड़ दो, जो वाई के साथ लिखा होता है वो होता है बी, तो वाई के साथ लिखा हुआ है 2p माइनस 4। और जो कॉन्स्टेंट टर्म होती है वो देख लो आप, ये पूरी कांस्टेंट टर्म है विद साइन, मतलब माइनस साइन आपने साथ लेना है, तो कांस्टेंट है माइनस 3q प्लस 5। बी और सी की वैल्यू निकाल ली। अब आपको पता है रूट वैनिश है तो बी जीरो के बराबर है, इसी तरह यहां पे सी जो है वो जीरो के बराबर है। माइनस 4 को उधर ले जाओ, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। यहां से पी की वैल्यू निकालना, पी की वैल्यू 2 आ रही होगी। उसके बाद क्यू की वैल्यू निकालनी है, भाई माइनस आप लिखो ना लिखो बात ये की है क्योंकि इक्वेशन के दूसरी तरफ जीरो है, आप इसको इस तरह भी बोल सकते हो, इक्वेशन की दोनों साइड को आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो जीरो के साथ माइनस आएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहां पे जो माइनस आएगा वो इससे पॉजिटिव हो जाएगा। इन शॉर्ट आप इस माइनस को इग्नोर कर दो, दूसरी तरफ जीरो है तो मैटर नहीं करता। और यहां से आप क्यू की वैल्यू निकालो, क्यू की वैल्यू आ जाएगी -5/3। तो ये सवाल आ सकते हैं, छोटे छोटे से हैं, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है इनका। कंडीशन मैंने आपको बता दी, जब रूट वैनिश होंगे तो कंडीशन क्या होगी
कि बी और सी जो है ये जीरो के बराबर होंगे। तो 3.5 यही है, 3.6 पे आ जाते हैं। कोई यहां तक इशू है तो पूछ लो। थ्री पॉइंट सिक्स का टॉपिक जो है वो सबसे पहला टॉपिक है सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट का। तो बहुत ही इजी टॉपिक है। अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपको बोला जाता है कि जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आएंगे ना, तो उनका सम क्या होता है? तो उनका सम होता है माइनस बी अपॉन ए के बराबर। और अगर आपसे पूछा जाए कि भाई कोई भी दो रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उनका प्रोडक्ट निकालो, तो प्रोडक्ट बराबर होता है सी अपॉन ए के। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक चीज करवा देता हूं आपको। इक्वेशन है 2x² - 4x + 5 = 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको बोला जा रहा है सम ऑफ रूट निकालो, तो सम ऑफ रूट क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी यहां पे क्या है, x के साथ क्या लिखा हुआ है? माइनस फोर अपॉन ए। ए यहां पे क्या है? 2 के बराबर। तो माइनस माइनस पॉजिटिव, सॉल्व करो 2। इसका मतलब इसके रूट का सम जो है वो 2 के बराबर है। लेट कर लो, अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने तो वो बराबर होगा सी अपॉन ए के। सी यहाँ पे 5 है, ए यहाँ पे 2 है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा 5/2 के बराबर। ठीक है, ये बेसिक सी बात है। अब सम और प्रोडक्ट से एक और टॉपिक बनता है जो 3.6 का मेजर टॉपिक है, और वो है फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। कि आपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। देखो, दो प्रोसेस होते हैं ना। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, आपको रूट्स निकालने हैं, तो आपके पास डिफरेंट मेथड है। आप मिडिल टर्म ब्रेक कर लो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, आपके पास रूट्स आ जाएंगे। ये है एक प्रोसेस। रिवर्स प्रोसेस क्या होगा? आपके पास रूट्स गिवन है और अब आपको इक्वेशन मालूम करनी है। तो अगर आपको रूट्स गिवन हो और आपको इक्वेशन बनानी हो तो कैसे बनाओगे? आपने बस सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने हैं। जैसे इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला है x² - sum of root x + product of root। ये बहुत इजी फॉर्मूला है। आपने इसको अल्फा बीटा की फॉर्म में पढ़ा होगा, जरूरी नहीं है। मैं एग्जांपल दे देता हूं ताकि आपको मामला क्लियर हो जाए। लेट कर लो, आपको बोला जाए कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट जो है वो 2 है और 3 है। ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सवाल भी बड़ा फेवरेट है। आपको सवाल में लिखा होगा कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हूज रूट्स आर 2 एंड 3। ऑप्शन में 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखे हुए होंगे। अब आपको बताना होगा किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये दो रूट हैं। तो एक तो तरीका यह है कि आपको ये दोनों वैल्यूज हर ऑप्शन में पुट करने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए है, आपने दोनों वैल्यूज पुट की। अगर दोनों वैल्यूज उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं तो इसका मतलब वो राइट ऑप्शन है। अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर रही तो फिर आप नेक्स्ट ऑप्शन में जाओगे, फिर सी में जाओगे, फिर डी में जाओगे। जो सेटिस्फाई कर रहा होगा वो राइट ऑप्शन है। एक तो आप इस तरह पता चलाओगे एमसीक्यूज में, और एक जो नॉर्मल तरीका, जो इजी तरीका है, वो यही मेथड है। अगर आपको ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसके दो रूट हैं, तो आप क्या करो, सबसे पहले सम ऑफ रूट निकालो। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। इन दोनों रूट का सम करो, 2 + 3 क्या होता है? 5 के बराबर। फिर आप प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 × 3 = 6। ऊपर आपको पता है इक्वेशन मालूम करने का तरीका क्या होगा, x² - sum of root। सम ऑफ रूट क्या है? 5। उसके बाद लिखो x + product of root। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है? 6। दैट्स इट। तो ये एक इजी काम है कि जब आपको रूट्स गिवन हो और आपको उससे इक्वेशन निकालनी हो, तो ऑप्शन में पुट करने के बजाय ये 3-4 स्टेप कर लो। बहुत ही इजी स्टेप है, आपको डायरेक्ट आंसर पता चल जाएगा क्या आ रहा है इसका। तो 3.6 के ये टॉपिक है। 3.6 में कोई नया फॉर्मूला नहीं था, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं था। कितने सवाल हैं जो बड़े बड़े सवाल एमसीक्यूज में नहीं आ सकते, ये बेसिक बातें आती हैं। कौन कौन सी? आपको एक इक्वेशन गिवन होगी और उससे बोला जाएगा भाई सम ऑफ रूट निकालो, तो फॉर्मूला मैंने बता दिए। प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालो, वो भी मैंने बता दिए। या दूसरा सवाल इस तरह आएगा कि यार 2 और 3 रूट है, बताओ कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो मैंने पूरा मेथड डिस्कस कर दिया। ठीक है, तीसरा सवाल इस टाइप का होगा, जैसे वो क्वेश्चन नंबर 8, 6 और 7 है, वो जरा मैं बता देता हूं, उसके बाद कोई सवाल हो तो मैं पूछ लेना। जैसे 6 में लिखा हुआ है, 3.6 के क्वेश्चन नंबर 6, उसमें लिखा हुआ फाइंड के मालूम करो
इफ वन रूट ऑफ इक्वेशन, आपके पास इक्वेशन है 4y² - 7ky + k + 4 इज जीरो, कहने का मतलब वो कह रहे हैं कि यहां पे k की वैल्यू निकालो, और कंडीशन क्या गिवन है कि इस इक्वेशन का एक रूट जो है वो जीरो है। चैप्टर के स्टार्ट में मैंने बता दिया था रूट का मतलब क्या होता है। रूट का मतलब होता है कि अगर आप वो इक्वेशन में पुट करो, रिजल्ट किसके बराबर आएगा? जीरो के बराबर। अब सवाल में आपको दे दिए कि एक रूट क्या है? जीरो के बराबर है, तो आप जीरो को पुट कर दो इक्वेशन के अंदर। अगर इसका एक रूट जीरो है तो आप जीरो को पुट कर दो। अच्छा, वाई की फॉर्म में लिखी हुई ना इक्वेशन, तो वाई लिख दो आप। तो एक रूट जीरो था, आप जीरो पुट कर दो यहां पे, वाई की जगह जीरो पुट करो। अच्छा, इधर भी वाई की जगह जीरो पुट करो, प्लस के प्लस फोर अपनी जगह पे। पूरी इक्वेशन में वाई की जगह आप जीरो पुट कर दो, क्योंकि आपको पता है एक रूट जीरो के बराबर है। ये दोनों टर्म तो खत्म हो जाएंगी, पीछे क्या बचेगा? के प्लस फोर इक्वल टू जीरो, और यहां से के की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस फोर आ जाएगी। तो इस टाइप का सवाल आ जाएगा। ये बाय द वे 3.1 का ही टॉपिक है कि आपको बोला जाएगा कि भाई ये चीज रूट है और वैल्यू ऑफ के निकालो, तो आपने पुट करना है, सॉल्व करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। और इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट से रिलेटेड, जैसे 7 में लिखा हुआ है कि आप m की वैल्यू निकालो, और कंडीशन क्या है कि इस इक्वेशन के सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर है आपस में। तो जरा वो भी देख लेते हैं। इक्वेशन है भाई 6z² - 3mz + 5। अब इस इक्वेशन का जो वेरिएबल है वो z है, मैटर नहीं करता। आपको निकालनी है m की वैल्यू, कंडीशन क्या है कि सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर है। सम ऑफ रूट इसी फॉर्मूले से आप निकालना, वो यहां पे आ रहा होगा 3m/6। निकाल के देख लेना आप, -b/a के फॉर्मूले से निकालोगे तो 3m/6 आ रहा होगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट आएगा 5/6, अगेन इस फॉर्मूले से निकाल लेना, प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाएगा 5/6। कंडीशन ये कि दोनों रूट बराबर है आपस में, मतलब सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर है। इन दोनों को बराबर रखो, 6 से 6 कैंसिल, 3m बराबर हो जाएगा 5 के, और m की वैल्यू आ जाएगी 5/3। तो ये जो बेसिक से सवाल है ना, अब कोई और भी सवाल बना सकते हैं वो, लेट कर लो सवाल बना दें कि सम ऑफ रूट बराबर है माइनस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो बस कंडीशन क्या होगी, सम ऑफ रूट बराबर होगा माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख देना, ठीक है। या बोल दें कि सम ऑफ रूट जो है वो 2 times है प्रोडक्ट ऑफ रूट के, तो फिर आप लिखना सम ऑफ रूट इक्वल टू 2 × प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो कंडीशन हल्की बुल्की वो मतलब डिफरेंट कर सकते हैं, मेथड जो है वो यही रहेगा। आप सम निकालोगे, प्रोडक्ट निकालोगे, सॉल्व करोगे, आपके पास अननोन की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने काफी एग्जांपल करवा दी, बाकी आप कुछ एमसीक्यूज पे सॉल्व करोगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि वो क्या क्या आपको दे रहे होंगे। कुछ सवाल यहां तक? 3.6 का यही टॉपिक है और इसके अंदर कुछ भी मौजूद नहीं है। 3.7 को भी छोड़ो, 3.8 पे अगर आप आ जाओ तो 3.8 में आपके पास 2 इक्वेशंस हैं हर सवाल में, उन 2 इक्वेशन को आपने सॉल्व करना होता है। अब अगेन ये इतना लंबा मेथड है, एमसीक्यूज में तो आ ही नहीं सकता, लेकिन बिलफर्ज अगर आ जाए तो कैसे आएगा? पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका। मैं एक सवाल देता हूं, एक सेकेंड। आता नहीं है इसका, मैंने आज तक नहीं देखा, लेकिन अगर आ गया इसको आप कैलकुलेटर से नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि कैलकुलेटर से आप 2 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। ये तो लीनियर है लेकिन ये लीनियर नहीं है, तो कैलकुलेटर से आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते।
अगर तो दो लीनियर इक्वेशन है ना, फिर तो सॉल्व करने का बड़ा इजी तरीका है, वो भी मैंने अपलोड किया हुआ है। दो लीनियर इक्वेशन अगर दो वेरिएबल में है तब भी सॉल्व हो जाएंगी। जैसे आपने सेकेंड ईयर में किसी भी दो इक्वेशन को सॉल्व करते थे स्ट्रेट लाइन की, तो दो वेरिएबल होते थे ना एक्स और वाई, और चैप्टर नंबर 7 सर्किल के अंदर आप तीन अननोन्स होते थे जी एफ सी, अगर सर्किल में अगर आपको याद हो, तो दो अननोन वाली इक्वेशन भी सॉल्व हो जाती है कैलकुलेटर से, तीन अननोन वाली इक्वेशन भी सॉल्व हो जाती है। जैसे चैप्टर नंबर 4 मैट्रिसेस है फर्स्ट ईयर, उसमें 4.4 में पता है तीन इक्वेशंस होती हैं, तीन वेरिएबल्स होते हैं उसके अंदर, तो तीन वेरिएबल्स वाली भी सॉल्व हो जाती है, दो वेरिएबल्स वाली भी सॉल्व हो जाती है, लेकिन वो सब लीनियर होती हैं, पावर 1-1 होती है उसके अंदर। अगर ये क्वाड्रेटिक हो फिर ये कैलकुलेटर से सॉल्व नहीं हो सकती, एटलीस्ट जो आपके पास साइंटिफिक है उससे नहीं होती है। तो फिर अगर आ गया तो किस तरह आएगा, वो बोलेंगे यार बताओ इसका कौन सा सॉल्यूशन है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा होगा 1.2, ऑप्शन नंबर बी में लिखा होगा -1.3, ऑप्शन सी में लिखा होगा 1-1, ऑप्शन डी में लिखा होगा 0-1। नॉर्मली जब वो ऐसे देंगे ना तो वो शुरू में ही आंसर होता है, मेजॉरिटी मैंने देखा है कि जब मुश्किल सवाल होता है या इस टाइप के सवाल होते हैं ना जिसमें आप ऑप्शन पुट करते हो, तो वो शुरू में ही आंसर उन्हें रखा होता है ताकि स्टूडेंट को ज्यादा मसला ना हो। और अगर पहला ऑप्शन ठीक आ जाए ना तो बाकी पे जाने की जरूरत ही नहीं है। लेट कर लो अगर आपने पहला ऑप्शन पुट किया वो सेटिस्फाई कर रहा है तो वो आपका आंसर है, बाकियों को चेक करने की क्या जरूरत है, टाइम जाया करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर पहले का नहीं आ रहा तो फिर आप दूसरे पे जाओगे। अच्छा कैसे पता चलेगा, ये जो सॉल्यूशन है ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो बड़ा इजी तरीका है, आप इस सॉल्यूशन को ना जो इजी वाली इक्वेशन है पहले उसके अंदर पुट करो, अगर वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो दूसरी पे जाने की जरूरत ही नहीं है। कहने का मतलब अगर इस ऑप्शन इस वाले पॉइंट को आप यहां पे पुट करोगे और ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो बात खत्म हो जाएगी वहीं पे, आपको दूसरे में पुट करने की जरूरत ही नहीं है जब वो एक को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसको बेशक कर ले, लेकिन जब वो इसी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो वो सॉल्यूशन नहीं होगा, आप फिर दूसरे पे चले जाना, फिर दूसरे को इसके अंदर पुट करना जो इजी वाली इक्वेशन है, अगर उसको सेटिस्फाई कर रहा है फिर आप दूसरे पे आ जाना। तो अगर आप पहली इस वाले पॉइंट को पहली इक्वेशन में पुट करोगे, एक्स की जगह 1 पुट करो 2 1 2, अच्छा वाई की जगह आप 2 पुट करो 3 2 6, दरमियान में प्लस है ना, इक्वल टू 7। 2 + 6 क्या होता है 8, और 8 7 के बराबर होता ही नहीं है, इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। जब आपने इस पॉइंट को पुट किया तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर ही नहीं आ रही, तो अब दूसरी इक्वेशन में पुट करने की जरूरत ही नहीं है, इस वाले ऑप्शन को आप स्ट्रेट अवे कैंसिल कर दोगे। अब आप दूसरे पे आ जाओ, आप एक्स की जगह -1 पुट करो ये -2 हो जाएगा, फिर आप वाई की जगह 3 पुट करो 3 × 3 9 होता है, -2 + 9 7, 7 = 7, ये वाला पॉइंट पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बेस्ट है। अब दूसरी इक्वेशन में पुट करके देख लो, यहां पे आप -1 पुट करो, -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो 2, वाई की जगह आप 3 पुट करो 3 का स्क्वायर 9, 9 को -3 से करो -27, 2 - 27 - 25, तो देखो यहां पे भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। जैसे ही आपको पता चल गया कि ये इसका सॉल्यूशन है तो अब बाकी पे जाने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगाकर आ जाना, ठीक है। तो 3.8 का अगर सवाल आया तो वो इस तरह आएगा, और कोई मेथड नहीं है, और किसी तरीके से वो सवाल नहीं आ सकता। यहां तक बात क्लियर है, कोई सवाल है तो पूछ लो यार यहां तक। क्वेश्चन की वर्डिंग क्या होगी, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, या ये दे देंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, सॉल्यूशन के गिर्द बात घूम रही होगी बस। अच्छा मीटिंग एंड हो रही है, मैं जरा आप लोगों को लिंक सेंड करता हूं, तकरीबन 20 मिनट की क्लास है और रिकॉर्डिंग।